मैं आउटसोर्सिंग के जिला प्रधान हूँ। मेरा नाम सुमित्रा और सी डी ए के पद पे हूँ मैं डवली में। हमारा ये पड़ाव है जो भ्रष्ट प्रशासन है और सी एम ओ है, जो पैसे का लेन देन काफ़ी भारी मात्रा में चल रहा है। हमने बहुत बार सरकार से मांग की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। जिनकी बदौलत हमें बार बार यहाँ धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। हमें भी कोई शौक नहीं है धूम के अंदर आने के लिए, लेकिन हमारी कुछ मांगे थी जो 28 तारीख को इन्होंने मांगी थी और उसके अंदर दो तीन बातें पूरी की, बाकी पे कोई बातचीत नहीं हुई। इनके अंदर लिखा गया था कि 7 तारीख को सैलरी आए, जो हटाए हुए कर्मचारी उनको वापस रखा जाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 नए बंदे मतलब कि पैसे लेके रख लिया गया। हमने इनसे पूछा कि ये कहाँ से आए, तो ये झूठ बोलते कि फतेहबाद से ट्रांसफर होके आए, जो कि नहीं हो सकता। वहाँ उनकी इंक्वायरी, वहाँ उनका कोई नाम ही नहीं है। तो मैं सीएमओ सर से ये पूछना चाहती हूँ कि आप ठेकेदार के साथ क्यों बिकाव कर रहे हो? जो बेरोजगारों को आपने मतलब कि रोटी से निकाल दिया, बेचारे कर्मचारी को जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया था, आप उनको जॉब क्यों नहीं दे सकते? जब आप नए बंदे रख सकते हो, सीट वैकेंट है, तो जो हटाए हुए कर्मचारी हैं उनको आप सीट पे रखो। लेकिन ऐसा नहीं सुनते, बल्कि एडीसी ने हमें ये धमकी दी कि अगर आप उन 5 बंदों को या और जो हटाए हुए कर्मचारियों को आप लगाने की बात करते, तो हो सकता है हम आप 560 बंदों को भी जॉब से निकाल दिया जाए। तो मैं ये देख रही हूँ कि कितना भ्रष्ट प्रशासन है, कि जो दलाल है वो भी उनके साथ है, सीएमओ भी उनके साथ है, जो कि मेन प्रिंसिपल पावर ऑफ द आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट, उनके एक कलम के द्वारा ही इनकी ज्वाइनिंग और उनको निकाला जाता है। यहीं से लेटर टाइप होते हैं, ना कि ठेकेदार के पास जाते हैं। ठेकेदार को कहा जाता है कि ये हमारा बंदा है, इसको रख लो, ये नहीं है, इसको निकाल दो। तो मैं चाहती हूँ, सरकार से अनुरोध करती हूँ कि ऐसे भ्रष्ट प्रशासन की ओर और ऐसे सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा ईपीएफ जो 3-3 साल से किसी का 10 महीने का, किसी का 9 महीने का पेंडिंग पड़ा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ईएसआई कार्ड किसी भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी के पास नहीं है। किसी के साथ दुर्घटना होगी तो अपने पैसे से इलाज कर रहा है। अगर ईएसआई कार्ड सबके पास हो तो उन पैसों से वो अपने परिवार की देखरेख कर सकता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बार बार इन्हें इन बातों से अवगत कराने के बाद में भी आनाकानी कर रहे हैं। तो हम आप सबसे ये कहते हैं कि आप जो मीडिया वाले लोग हो, आप हमारी हेल्प कीजिए और इनको इनकी सजा दिलवाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे गंदे गंदे आंदोलन करेंगे, उनको आंदोलन नहीं कहा जा सकता, कत्लेआम कहा। चोर बाजारी नहीं चलेगी, ठेकेदारों का दलाल सीएमओ मुर्दाबाद। हम करेंगे बंद करेंगे गुंडागर्दी, बदमाशी चाल दिए नहीं, एक सुरंग एक गुंडागर्दी बंद करेंगे। हम करेंगे बंद करेंगे गुंडागर्दी बंद करेंगे। इंकलाब जो इस लड़की जान चलेगा, मैं कहा सीएमओ तेरे 3 नाम तुमने कहना नहीं, सीएमओ तेरे 3 नाम, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद। राजेश बैंकर जिला सेवा कर्मचारी संघ शिक्षा से, लगातार 5 दिन से स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों ने शिक्षा में आंदोलन में है और प्रमुखता से प्रशासन को हमने पीछे समझौता हुआ तब भी बताया था, लिखित में हमारे पास सब कुछ है। ये था कि पुराने कर्मचारी जो हटा रखे हैं उनकी नौकरी बहाली की बात थी। प्रशासन द्वारा और ठेकेदार की सांठगांठ से पुराने लग रहे हैं, पुराने हट रहे हैं, उनको नौकरी लगाने की बात ये नहीं कर रहे हैं, बाहर से ला करके नए भर्ती कर रहे हैं, जो पैसे ले लेकर कर्मचारियों को लगाया जा रहा है, ऐसा सुनने में हमें आया। हमने प्रशासन को लिख करके दिया कि इनकी ईपीएफ ईएसआई के कार्ड बनाए जाएं ताकि इनको उसका लाभ मिल सके। यहाँ ईपीएफ और ईएसआई का बहुत बड़ा घोटाला है, इन 3 महीने तनख्वाह नहीं देते, तनख्वाह देने के बावजूद तनख्वाह लेने के लिए भी धरना लगाना पड़ता है और ठेकेदारी की प्रथा से एक कर्मचारी भारी आक्रोशित है। इन तमाम मांग मुद्दों को लेकर के ये लगातार पड़ाव यहाँ जारी है, जब तक चलेगा तब तक इन समस्याओं को कोई समाधान नहीं निकलता। और 200 बेड की सेंसर इन्होंने भेजी थी, अभी तक डीजी हेल्थ द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारी मांग है प्रमुखता से कि 200 बेड की सेंक्शन सिरसा से भेजी गई थी पद स्वीकृति के लिए, तो उनके पदों को बढ़ाया जाए ताकि तमाम अटरे कर्मचारियों को ज्वाइनिंग दी जा सके। और ठेकेदार और प्रशासन द्वारा यूनियन को बताया जाता है कि हमारे पास सीट वैकेंट नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सीट वैकेंट है और पुराने कर्मचारी जो हटा रखे हैं उनको लगाया नहीं जा रहा, नए कर्मचारी बाहर से पैसे लेकर के लगाए जा रहे हैं। इस बात को लेकर के कर्मचारियों का भारी रोष है, इसको लेकर के आंदोलन चलाया हुआ है। उन्होंने फैसला लिया है आज
दो बजे हम सीएमओ सिरसा की शवयात्रा निकाल करके बड़े बाजार के अंदर जाके सीएमओ सिरसा का पुतला फूंकने का काम करेंगे। इस आंदोलन को लंबा लेकर के जाएंगे। धन्यवाद।